GoPro Hero 10 Black फाइनली लॉन्च हो चुका है। मैं इसको पिछले 3 दिन से पूरा इन एंड आउट एक्सप्लोर कर चुका हूँ। काफ़ी एक्साइटिंग एड ऑन्स हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स भी किया गए हैं हीरो 9 से, एंड ओवरऑल हार्डवेयर में ऐसे चेंजेस हुए हैं जो मेरे लिए बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट्स हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करने का वेट कर रहा था जल्दी से लॉन्च हो और मैं आपके साथ अपने सारे एक्सपीरियंसेस विद सैम्पल्स शेयर कर सकूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ हीरो 9 से, अगर आप अपग्रेड कर रहे हो हीरो 9 से, सेम एक्सेसरीज आप यूज़ कर सकते हो, सेम बैटरी, तो बैटरी इसमें चेंज नहीं हुई है, जो आप ऑलरेडी हीरो 8 या 9 में यूज कर रहे हो सेम इसमें लग सकती है। उसके बाद एक मेजर चेंज जो है लुक वाइज वो है जो GoPro की ब्रांडिंग है आगे इस साइड, या फिर हीरो 10 जो यहाँ लिखा हुआ है बस उसका कलर चेंज हो गया, अदरवाइज इट्स एग्जैक्टली द सेम। उसके बाद हीरो 9 में जैसे था, हीरो 10 में भी ये जो लेंस कैप है ना यहाँ पे, ये आप एक्सटर्नली हटा सकते हो बाई चांस अगर इस पर स्क्रैचेज आ जाते हैं या फिर डैमेज हो जाता है, तो इट्स गुड कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। आपको पूरा जो यूनिट है GoPro का वो रिप्लेस यहाँ नहीं करना पड़ेगा, जो हीरो 8 में मुझे बहुत माइनस या सेटबैक पॉइंट लगा था। बट अगर मैं लेंस की बात करूँ तो यहाँ पे भी कुछ इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। सबसे पहला चेंज है कि स्क्रैच रेजिस्टेंस ज़्यादा हो चुका है इसके आउटर लेयर का। उसके बाद जो कोटिंग है वो हाइड्रोफोबिक कोटिंग, जब लेट्स सपोज आप कुछ वाटर में इसको लेके जा रहे हैं, कुछ वाटर स्प्लैश आ रहा है, तो वो इस पर टिकेगा नहीं, वो इजीली जो है वो ड्रॉप नीचे चले जाएगा, जो हीरो 9 में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टिक हो जाता था। एंड इवन जो गोस्टिंग इफेक्ट है उस पर भी थोड़ा इंप्रूवमेंट किया गया है। अच्छा, अब अगर इसके हार्डवेयर चेंजेस की बात करें, और सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट जो हीरो 10 में हुआ है वो है GP2 प्रोसेसर। तो पिछले मेरे को लग रहा है 5 साल से, आई थिंक हीरो 6 जो लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक सेम प्रोसेसर यूज हो रहा था, एंड फाइनली GP1 से अब GP2 में अपग्रेड हो चुका है, जिसकी वजह से कुछ मेजर अपग्रेड्स हुए हैं और जो मुझे प्रैक्टिकली डिफरेंसेस लगे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़, हीरो 9 से हीरो 10 में जो फ्रंट डिस्प्ले है, आपको आगे डिस्प्ले मिलता है, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है, आप डिस्प्ले में देख सकते हो। और हीरो 9 में हल्का सा लैग दिखता था, और अभी क्या है, अगर आप 5.3K में भी वीडियो शूट कर रहे हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगा और आपको रियल टाइम प्लेबैक दिख जाता है फ्रंट डिस्प्ले में। इवन अगर मैं बैक साइड डिस्प्ले की बात करूँ, टच रिस्पॉन्स इम्प्रूव हुआ है, मैंने देखा है, कंपेयर करा है हीरो 9 से, सो येस दैट डिफरेंस इज देयर, और काफ़ी फ्लूइड हो चुका है, काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स करता है, एंड आई थिंक उसका मेजर क्रेडिट GP2 प्रोसेसर को ही जाता है। अब GoPro क्लेम कर रहा है कि नए प्रोसेसर से लो लाइट परफॉर्मेंस भी बेटर हो चुका है, इज इट ट्रू? येस इट इज ट्रू, और इतना मेजर इंप्रूवमेंट है ना, मैं अभी आपको सैम्पल दिखाऊंगा, आपको खुद पता लग जाएगा। सो फाइनली GoPro 10 हमारे पास आ गया है, अभी कुछ टेस्टिंग करने के लिए हम निकले हैं, तो मैंने सोचा स्टार्टिंग है वो थोड़ा व्लॉग स्टाइल में करते हैं। तो अभी हम 4K में शूट कर रहे हैं 30 FPS पे, वाइड एंगल पे, अल्ट्रा वाइड नहीं है ये। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, कलर्स ऑडियो आपको पता लगता रहेगा, अभी हम कार के अंदर हैं, एंड मेरे साथ अभी निमित है जो मेरे से पहले टेस्ट कर चुका है। सो निमित, जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू देना, तुम्हें क्या लग रहा है 10 में कुछ इंप्रूवमेंट? नहीं, बहुत ज़्यादा बेटर है 9 से, अगर आप कंपेयर करो तो काफ़ी चीज़ें, एक तो प्रोसेसर काफ़ी बेटर है इसका। अच्छा, बाकी निमित की वीडियो okay, देखना, बाकी अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो इसकी वीडियो कोई नहीं देखेगा। नहीं, मेरी भी, प्लस निमित भी इसका वीडियो डालेगा, तो हम दोनों GoPro 10 का कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। कैमरा के पीछे अभी रतनदीप है, अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर दो। तो अभी हम तीनों आए बाहर, कुछ व्लॉग स्टाइल वीडियो शूट ट्राई कर रहे हैं। सो अभी ये फुटेज सुपर वाइड पे मैं ले रहा हूँ, सुपर व्यू जो एकदम अल्ट्रा वाइड है, थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा वाइड है, बट आई जस्ट शो यू अराउंड। कुछ कलर्स हैं यहाँ पे वॉल पे, तो अभी हम यहाँ पे आए थे, दिस इज़ लोधी कॉलोनी, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया ग्रेफिटी बनी है, अभी तो ये ख़राब होनी स्टार्ट हो गई है, तो इस साइड भी है एंड यहाँ पे भी है, तो इससे आपको थोड़ा डिस्टॉर्शन का आइडिया लगेगा, जितना मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली अल्ट्रा वाइड है तो डिस्टॉर्शन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मैं भी काफ़ी, मेरे पास से 1 फीट दूर होगा, बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा वाइड आ रहा हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, और अभी मैं 4K 30 पे शूट कर रहा हूँ, एक बार 5.3 पे के पे मैं स्विच करता हूँ, देन मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। अब एक डिफरेंस क्या है कि जो सुपर वाइड था जो आप पहले देख रहे थे क्लिप 4K में, 5.3 में सिर्फ वाइड एंगल है जितना आप अभी देख रहे हो, तो ये एक डिफरेंस है। बाकी अगर एंगल ऑफ व्यू आप देखोगे 5.3 में रेजोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं इसको पोस्ट में थोड़ा बेटर एडजस्ट कर पाऊँगा, वो एक बेनिफिट मिल जाता है, अदरवाइज एक्स्ट्रा 1.3K मीन्स अ लॉट।
वाइड एंगल थोड़ा सा लो लाइट सिचुएशन में एको अभी होगा ऑडियो में, बट दैट इज़ नेचुरल बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऐसा है इसका. बाकी विल गेट टू सी अ बिट ऑफ लो लाइट परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है. तो अभी मैं ये जो सैम्पल है 5.3K एट 25 FPS पे शूट कर रहा हूँ और चेस्ट माउंट पे है, सो दैट आपको एक ये पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा होगा. एंड जैसे मैंने बताया 5.3 पे अल्ट्रा वाइड नहीं है, सो दिस इज़ द वाइडेस्ट दैट यू कैन सी. तो अब मैंने 4K 50 FPS पे स्विच कर लिया बिकॉज अल्ट्रा वाइड एंगल मुझे देखना था कैसे. सन एकदम सामने है और बहुत बिजी रोड पर मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नॉइज मुझे तो सुनाई दे रहा है. अब देख रहे हैं GoPro 10 कैसे कैप्चर कर रहा है 4K 25 FPS पे. बस मुझे यही डर है अभी कोई मेरे हिसाब से कैमरा छीन के ना भाग जाए, होपफुली वैसा ना हो. नहीं हो रहा तभी तक, तभी ये सैम्पल आपके पास पहुँच पा रहा है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स अगर आप ब्लॉगिंग करते हो. बाय द वे चेस्ट माउंट है जो जिससे अभी मैं फुटेज ले रहा था, बहुत यूजफुल एक्सेसरी है एंड आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट, स्पेशली अगर आप POV ज़्यादा शूट करते हो. तो अब हम आ चुके हैं लास्ट लोकेशन पे जो है सफदरजंग टूम लो लाइट सैंपल के लिए. एंड टू आर लक अगर आप पीछे देखोगे पूरा ट्राई कलर हो रखा है लाइटिंग. एंड अभी मैं मोबाइल की फ्लैश यूज़ कर रहा हूँ लाइट के लिए, अगर हटाता हूँ तो अभी एकदम अंधेरा हो रखा है, तो एकदम सही टेस्टिंग होगी लो लाइट के. और मैं आपको एक दो फोटो लेके दिखाऊंगा. टू आर लक बहुत बढ़िया ट्राई लाइट हो रखा है आज. तो चलते हैं अंदर और थोड़े लो लाइट सैंपल लेते हैं. सो ये है अभी सफदरजंग के ऊपर लाइटिंग जो ट्राई कलर में हो रखी है. लाइक आई टोल्ड यू आउटसाइड की आज कुछ डिफरेंट लाइट है एंड ब्लू आर ख़त्म हो चुका है. सो दिस इज़ हाउ लो लाइट सैम्पल लुक्स लाइक. अभी एकदम अंधेरा है फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा इसमें मैजेंटा पर्पल दिख रहा है बिकॉज आई थिंक दैट्स लो लाइट नॉइस. अगला मेजर इंप्रूवमेंट जो हीरो 10 में GoPro ने करा है वो है रेजोल्यूशन में FPS का. तो सीधे से आप ये मान लो जितने भी FPS हीरो 9 में थे उससे डबल हो चुका है. तो आप 5.3K में अप टू 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो, 4K में अप टू 120 FPS एंड 2.7K में 240 FPS. मतलब स्लो मोशन अब इतने हाई रेजोल्यूशन पे कर दिया गया है. मुझे लग रहा है प्रैक्टिकली 4K 120 FPS इज समथिंग जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगा बिकॉज दैट्स मोर प्रैक्टिकल. और हाँ एक और चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, अगर आप हीरो 10 प्लान कर रहे हो 5.3K में अगर आप शूट कर रहे हो तो आपको 24 FPS का ऑप्शन नहीं मिलेगा और सुपर व्यू जो अल्ट्रा वाइड एंगल है वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, वो 4K तक ही लिमिटेड है. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आप तक ये मैसेज जाना चाहिए. अच्छा अब स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं बिकॉज GoPro काफ़ी लोग स्टेबलाइजेशन के लिए ही लेते हैं और मुझे लगता है हीरो 9 तक इतना बढ़िया स्टेबलाइजेशन था तो मुझे लगा 10 तक क्या ही हो जाएगा. तो फाइनली हाइपर स्मूथ 4.0 इंट्रोड्यूस हो चुका है हीरो 10 में एंड प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा स्मूथनेस है. पर हाँ कुछ लिमिटेशंस हैं जो अगेन आपको जानना बहुत ज़रूरी है. अगर आप हाई परफॉर्मेंस पे हाइपर स्मूथ 4.0 यूज़ कर रहे हो तो लिमिटेशन जो है वो ये है कि 4.3K में आप अप टू 30 FPS, 4K में अप टू 60 FPS तक ही जा सकते हो. तो या तो आप एकदम हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन अचीव कर लो या फिर आप स्लो मोशन 120 FPS 4K पे शूट कर सकते हो. तो ये एक जो बैलेंस है वो आपको कहीं ना कहीं साइड करना पड़ेगा दोनों में से किसको चूज करना है. बट स्टिल 4K एट 60 FPS विद हाइपर स्मूथ 4.0 लुक्स बटरी स्मूथ. और एक मेजर इंप्रूवमेंट है होराइजन लेवल में हीरो 10 में. अब इसमें क्या होता है, मैं आपको ये फुटेज जो आप ये हीरो 10 से देख रहे हो और आपको साइड बाय साइड में दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा इसको टिल्ट कर रहा हूं. ये देखो
आप अगर देखोगे इतना ज़्यादा मैं कैमरा का एंगल चेंज कर रहा हूँ, और अब बेसिकली नंबर्स में ये 27 डिग्री जो होता था हीरो 9 में, नाउ इट इज़ 45 डिग्री। तो अगर मैं 45 डिग्री तक इसको मूव कर रहा हूँ तो ये लेवल एकदम सेम रहेगा जो आप सैम्पल में देख सकते हो। तो आई बिलीव अगर आप बहुत ज़्यादा एक्शन स्पोर्ट्स या इस सब में ज़्यादा शूट करते हो तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आप लोगों को। अब ऑब्वियसली हीरो 10 बहुत से लोग फोटोग्राफी के लिए भी यूज़ करते हैं, मैंने भी कुछ सैम्पल्स लिए हैं, बट अगर मैं पहले नंबर्स की बात करूँ तो मेगा पिक्सल काउंट हीरो 9 में जो पहले 20 मेगापिक्सल था, अब वो बढ़ के 23 मेगापिक्सल्स हो चुका है। तो हाई रेजोल्यूशन है बट सेंसर सेम है, प्रोसेसर चेंज हुआ है, इमेज सेंसर सेम है। बाकी अगर मैं फोटोज के परफॉर्मेंस की बात करूं, काफी इंप्रूवमेंट है डायनामिक रेंज में, शार्पनेस अच्छा हो गया है, क्लैरिटी अच्छा है, एंड मेजरली मेरे लिए कलर्स और डायनामिक रेंज एक मेजर कंसर्न था जो अगेन काफी ज्यादा बेटर हो चुका है। और लो लाइट परफॉर्मेंस में भी नॉइस रिडक्शन है वो क्लियरली मुझे दिख रहा है, बीइंग अ गोप्रो यूजर 8 और 9 से 10 में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। बाकी आप कमेंट करके बताना आपको अभी तक आउटपुट हीरो 10 के कैसे लग रहे हैं। तो ये तो थे कुछ ऑन पेपर जो इंप्रूवमेंट्स और मैंने प्रैक्टिकली टेस्ट करके आपको दिखाया। अब कुछ चीजें हैं जो जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था देन आई गॉट टू नो, और सबसे बढ़िया फीचर मुझे क्या लगा, जब आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हो ना तो आपको बाय डिफॉल्ट स्पॉट मीटरिंग एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप सिल्वेट फोटोज लेना चाह रहे हो या प्रिसाइसली एक्सपोजर कंट्रोल करना चाह रहे हो वो फीचर आप यूज कर सकते हो। और उससे भी बढ़िया फीचर क्या है कि आपको एक्सपोजर स्केल मिलता है लॉन्ग प्रेस पे, आप उसको -2 से +2 में ले जा सकते हो और अपना जो एक्सपोजर है वो और ज्यादा बेटर कंट्रोल ले सकते हो। बहुत ईजी टू यूज है, डायरेक्ट कंट्रोल्स हैं, आई थिंक ये आपको ज्यादा प्रिसाइज कंट्रोल देता है अपने एक्सपोजर पे। देन मैंने रियलाइज करा कि कलर ऑप्शंस हैं वहाँ पे भी कुछ एडिशंस हुए हैं, पहले सिर्फ फ्लैट और गोप्रो प्रोफाइल होता था, अब 3 प्रोफाइल्स हैं, नेचुरल, वाइब्रेंट एंड फ्लैट। मुझे लग रहा है थोड़े ज्यादा वेरिएशन ऐड कर दिए गए हैं जहाँ पे आप और ज्यादा बेटर कंट्रोल ले सकते हो। और हाँ, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे ऐड हुआ है हीरो 10 में वो है आप वायर ट्रांसफर कर सकते हो अपनी फोटोज अपने गोप्रो से स्मार्टफोन पे, जो मुझे लगता है काफी बेटर और बढ़िया फीचर हो चुका है। बिकॉज यही एक पहले रहता था कि यार वायरलेसली ट्रांसफर करना है, बैटरी ज़्यादा खाता था और कहीं ना कहीं उतना फास्ट नहीं हो पाता था। तो येस, नाउ दैट्स अ गुड थिंग दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन GoPro हीरो 10। तो ये था मेरा पिछले 2-3 दिन में जितना मैंने ट्राई करा हीरो 10। अगर आपको हीरो 10 वर्सेस हीरो 9 का कंपैरिजन चाहिए कमेंट करना, अगर अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो मैं वीडियो पे वर्क करना स्टार्ट कर दूंगा। तो GoPro हीरो 10 आप आज से प्री बुक करा सकते हो, GP Pro इज अ स्टोर जहाँ से मैं अपने काफ़ी गियर्स लेता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो टू प्री बुक आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक आउट विद देम। और अगर आपकी प्राइस की कुछ क्वेरी है तो ऑब्वियसली आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, और 25th अक्टूबर से हीरो 10 अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट्स इट। अगर मैं कंक्लूजन दूं, क्या ये वर्दी अपग्रेड है? अगर आप हीरो 7 या 8 यूज कर रहे हो देन डेफिनेटली आप आंख बंद करके हीरो 10 पे जा सकते हो। हीरो 9 से मुझे लग रहा है अगर आपको ज्यादा FPS का यूज है, आप ज्यादा स्लो मोशन करना चाहते हो, येस दिस इज अ गुड अपग्रेड। स्टेबिलाईजेशन मुझे लगता है 9 में ऑलरेडी इतना है, 10 में इंप्रूव हुआ है बट इट्स लाइक नॉट दैट मेजर। अदरवाइज आई थिंक इट्स अ गुड अपग्रेड अगर आप 9 से करना चाह रहे हो एंड इफ पॉकेट अलाउज। सो दैट्स इट, यही था मेरा वीडियो। आपके क्या व्यूज हैं कमेंट करके जरूर बताना, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।